आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब से, मैं आगाज़ करूँगी। एहतशाम साहब, अभी ये ख़बरें क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं, मेल मुलाकातें भी जा रही हैं, क्या होने जा रहा है, किस जमात से फ़ायदा हो सकता है तहरीक इंसाफ को बात करने का? देखें, हम ना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जहाँ पे वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे उसको इस लिहाज से तो पिजराई बहुत मिल रही है कि जिस तरह मीडिया देख लें और जिस अंदाज से उन्होंने अपना केस आगे लेके गए हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा तो हो सकता है। जो कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली अपने ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जब उन केसेस लेके जाएंगे और अल्टीमेटली फिर अदालतों में मामला जाएगा, तो वहाँ उनको बहुत रिलीफ मिल सकता है। जिस तरह से अभी ओन चौधरी का फैसला रिवर्स किया, इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, ये बहुत सलमान के मुकाबले में, सलमान साहब के मामले में, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल के सामने आ रही हैं। दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे इस्लामाबाद में देखी गई हैं। एक तो जिस तरीके से अभी तक इनकनक्लूसिव है जो बातचीत हो रही है पीएमएलएन की और पीएमएन नून की, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की, उसमें अभी तक देख लें, जरदारी साहब परसों तक कह रहे थे कि कोई वजारतें लेनी है, और आज की लेटेस्ट खबरें यही हैं कि वो शायद इस पर तैयार हो गए हैं वजारतें लेने के लिए, और ये उनकी दोनों साइड की कमेटियां फैसला करेंगी। लेकिन एक उनकी बहुत बड़ी शर्त अभी ये भी आ गई कि जो जो वजारतें आप फेडरल गवर्नमेंट में लेंगे, यानी नून लीग लेगी, उनकी चेयरमैनशिप जो पार्लिमानी कमेटियों की है ना, वो हम लेंगे। तो वो एक अच्छा खासा टफ टाइम देना चाहते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए जो मुश्किलात हैं, अभी आप देख लें जिस तरीके से अभी एक नाम आ गया उनका, उमर यूब साहब का, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है कि हार्ड लाइनर नहीं है, और एक कहा जा सकता है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना वो खोल सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और अच्छा फैसला है, मियाँ असलम साहब भी मीडियोकर इस सेंस में कि कम से कम वो हार्ड लाइनर नहीं है, जो पंजाब में उनको सीएम के लिए नामजद किया गया। लेकिन एक अहमियत वाली बात आमना यह है कि एक तरफ फैसला किया गया जी तहरीक चलाई जाएगी, और दूसरी तरफ फैसला किया गया कि रीच आउट करना है उन्होंने मौलाना फजल रहमान को, जिसके लिए आज उनकी मुलाकात हो रही है। अभी देखें, ये छोटी पार्टियों से मुलाकात का तो शायद न्यू सेंस वैल्यू तो हो सकती है कि आप उनको ले आएँ सड़कों पे कि आ जाएँ हमारे साथ, क्योंकि उनके भी ग्राउस और उनके भी जिसको कहना चाहिए कंसर्न्स हैं इलेक्शन के बारे में। लेकिन पार्लियामेंट में तो कोई फायदा नहीं हो सकता, ये आपने नामजदगी तो कर दी है उनकी, यानी पार्लियामेंट उमर यूब की भी, बाकी लोगों की भी होती या नहीं होती। एक चीज़ और, एक चीज़ और आमना, देखें अभी ये सारे सिनेरियो को इस तरह देखा जा रहा है कि हाँ देखिए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को देख रही है, वहाँ से तो खबरें यही आ रही हैं कि अल्टीमेटली पावर शेयरिंग फार्मूला जो डे वन से डिस्कस हुआ था या तय हुआ था टेंटेटिव, उस पर अमल होगा। लेकिन अब क्योंकि नई चीज़ है पीटीआई का एहतजाज और फजल रहमान का मिलना, पीपल्स पार्टी एक जाने मौलाना फजल रहमान नाराज हैं, ग्रीन सिग्नल उन्होंने कल पीटीआई से बात करने का दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।